हिंदू धर्म में प्रत्येक पूजा का अपना एक अलग ही महत्व होता है और हर पूजा को किसी ना किसी वजह से किया जाता है। यदि आपके विवाह में कोई बाधा आ रही हो या वैवाहिक जीवन में नोकझोंक चल रही हो या फिर संतान सुख की प्राप्ति ना हो रही हो, तो आपको माँ मंगला गौरी के व्रत को विधि विधान से करना चाहिए। माँ मंगला गौरी व्रत श्रावण माह के मंगलवार को ही किया जाता है। महिलाएं ये व्रत अपने पति की लंबी आयु के लिए करती हैं। इस व्रत से जुड़ी एक पौराणिक कथा है जो कि इस प्रकार है। एक समय की बात है, एक शहर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी काफी खूबसूरत थी और उसके पास काफी संपत्ति थी, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण सब कुछ होते हुए भी वे काफी दुखी रहा करता था, जिसके चलते उस व्यापारी ने कई जप तप, ध्यान और अनुष्ठान किए, जिससे कि देवी प्रसन्न हुई। देवी ने व्यापारी से मनचाहा वर मांगने को कहा। तब उस व्यापारी ने कहा कि माँ, मैं सर्व सुखी और धन धान्य से समर्थ हूँ, परंतु मैं संतान सुख से वंचित हूँ और मैं आपसे अपने वंश को चलाने के लिए एक पुत्र का वरदान चाहता हूँ। तब देवी ने कहा कि धर्मपाल, तुमने ये बहुत ही दुर्लभ वरदान मांगा है, लेकिन तुम्हारे तप से मैं प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान तो देती हूँ, लेकिन तुम्हारा वो पुत्र केवल 16 साल तक ही जीवित रहेगा। ये सुनकर धर्मपाल और उनकी पत्नी काफी दुखी हुए, लेकिन उन्होंने उस वरदान को स्वीकार कर लिया। फिर देवी माँ की कृपा से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र को पाकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश हुए और धीरे धीरे समय बीतता गया। समय के साथ उन दोनों पति पत्नी की चिंता भी बढ़ने लगी। अब वो दोनों बस उस उपाय के बारे में सोचते रहते जिससे कि उनका पुत्र अधिक समय तक जीवित रह सके। तब किसी विद्वान ने व्यापारी से कहा कि आप अपने पुत्र का विवाह ऐसी कन्या से करा दें जो कि मंगला गौरी का व्रत रखती हो, तो उस कन्या के व्रत के फल स्वरूप उसके वर यानी कि आपके पुत्र को दीर्घायु प्राप्त होगी। ये सुनकर वो ऐसी कन्या की तलाश करने लगे। संयोग से उन्हें एक ऐसी युवती मिल गई। वो कन्या खुद तो ये व्रत नहीं करती थी, परंतु उसकी माता मंगला गौरी का व्रत किया करती थी। परिणाम स्वरूप उसने अपनी पुत्री के लिए एक ऐसे सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया था, जिसके चलते उनकी पुत्री कभी भी विधवा नहीं हो सकती थी। इस वजह से धर्मपाल के पुत्र ने 100 साल की लंबी आयु प्राप्त की। व्रत के प्रभाव को देखकर उसकी पत्नी भी विवाह के पश्चात मंगला गौरी व्रत करने लगी और अपने पति के साथ सुखी सुखी अपना वैवाहिक जीवन व्यतीत करने लगी। तभी से सभी नवविवाहित महिलाएं इस पूजा को करती हैं और गौरी व्रत का पालन करती हैं तथा अपने लिए एक सुखी और स्थायी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। माँ पार्वती का पूजन करते वक्त सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते इस मंत्र का जाप भी अवश्य करना चाहिए। व्रत की कथा को सुनने के बाद विवाहित महिला अपनी सास और ननन को 16 लड्डू देती है। इसके बाद वे यही प्रसाद ब्राह्मण को भी देती हैं। इस विधि को पूरा करने के बाद व्रती महिला 16 बाती वाले दिए से देवी की आरती करती हैं। अंत में
माँ गौरी के सामने हाथ जोड़कर अपने समस्त अपराधों के लिए और पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगती हैं। व्रत के दूसरे दिन देवी मंगला गौरी की प्रतिमा को नदी या फिर बहते हुए जल में विसर्जित कर दिया जाता है। इस व्रत और पूजा को परिवार की खुशी के लिए लगातार 5 वर्षों तक करना चाहिए। अतः शास्त्रों के अनुसार ये मंगला गौरी व्रत नियमानुसार करने से प्रत्येक मनुष्य के वैवाहिक सुख में बढ़ोतरी होती है और उनका जीवन सुख पूर्वक व्यतीत होता है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।